नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। गया शहर में आम आदमी छोड़ मंदिर नहीं सुरक्षित, चोरों ने उड़ाया महावीर मंदिर का दान पेटी। मामला विष्णुपद थाना क्षेत्र के बाईपास हनुमान मंदिर में लगे दान पेटी को चोरों ने उड़ा लिया, जिसे आसपास के लोगों में भय बना हुआ है। लगातार इस तरह की घटना से शहर के एडमिनिस्ट्रेशन और सुशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। आखिर क्यों लगातार पुलिस जवानों द्वारा पेट्रोलिंग गश्ती और 112 नंबर की गाड़ी से 24 घंटे सुरक्षा पहरा व्यवस्था लागू है, लेकिन वास्तविक में माने तो इस चोरी की घटना से गया पुलिस के द्वारा कितने गश्ती सफल हैं, यह आप खुद ही देख सकते हैं। एक दान पेटी भी सुरक्षित नहीं है। मंदिर के पुजारी ने बताया, बीते वर्ष भी इसी तरह की घटना को अंजाम दिया गया था और पुनः दान पेटी की चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। लगातार गया शहर में चोरी की वारदात से गया पुलिस की लाइन एंड ऑर्डर पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या जनता की सेवा करने में वाकई तत्पर है पुलिस प्रशासन या नहीं? मंदिर में ताला चोरी हो गया। हाँ, ताला टूट गया। और क्या हुआ है? दान पेटी चोरी हो गया, दान पेटी में से पैसा वैसा सब निकाला गया। मंदिर में रात में ऐसा हुआ। कब? रात में 1 बजे 2 बजे। किस दिन के रात? बृहस्पति के रात, शुक्रवार ना है, बृहस्पति के रात। पेट्रोलिंग गश्ती होती है ना स्थानीय थाना के द्वारा? साहब तो आते जाते रहे करते हैं। तो फिर कैसे चोरी हो गया? कैसे हो गया तो हम कैसे बताएंगे, हम कैसे बताए, प्रशासन ने जाने बताएंगे। आप कितने बजे तक यहाँ देख रेख करते हैं मंदिर को, कै बजे बंद करते हैं? 8:30-9, कभी 8 बजे बंद कर देते हैं, ठंडा का मौसम 8:30-8:15 में बंद कर दे रहे हैं। पिछला बार भी चोरी हुआ था? बहुत बार, 3-4 बार ऐसा हुआ है। कितना पैसा होगा दान पेटी में? कितना होगा हमारे अंदाजा तो 5-6 हज़ार 7 हज़ार रुपये अंदाजा लगा सकते हैं, 8 हज़ार लगा सकते हैं अंदाजा। इसी क्या प्रशासन से अनुरोध करना चाहते हैं? अनुरोध करते हैं कि ऐसा नहीं होवे काम। दान पेटी मिला? मिला, देखिए दान पेटी है सामने है। कहाँ से मिला? पीछे होटल के पीछे था, तोड़ दिया उसको। हाँ, तोड़ के पैसा निकाल दिया। वी टाइम न्यूज के लिए गया बिहार से गजेंद्र कुमार की रिपोर्ट।